सब्सक्राइब कीजिए बी विस्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम साहिल, आप देख रहे हैं बी विस्टर, जानकारी जिसमें आपका फ़ायदा। जी हाँ, जानकारी जिसमें आपका फ़ायदा। दोस्तों, आप जब कभी भी आधार सेंटर पर जाते हैं और आपको फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है, तो आपको वो फॉर्म कैसे भरना होता है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना होगा। दोस्तों, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको दिखाई देने वाली है। सबसे पहले आपको माई आधार कार्ड पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा आएगा लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और ऊपर लिखा है आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म। अगर आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, और लिस्ट चेक करनी है तो आप यहां से भी कर सकते हैं, और साथ में आप यहीं से ही जो फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप क्लिक करें, देखिए अब आपके सामने सारे यहां पर लिखा है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। आप इनमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है दे सकते हैं जो कि आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा, यानी कि आप जब आधार कार्ड अपडेट करवाएंगे या नया बनवा रहे हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चलेंगे, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये एनआरजीईएस, जॉब कार्ड, फोटो आईडी बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्म लाइसेंस एंड फोटो बैंक एटीएम कार्ड, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, और पेंशनर फोटोग्राफ हो गए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर रिलेशनशिप, अगर आपको फादर और मदर की रिलेशनशिप और अगर सन की रिलेशनशिप बतानी है तो उसके लिए जो है आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स फॉलो कर सकते हैं। सिमिलर ही डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएस कार्ड हो गया, मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, पेंशन कार्ड हो गया, आर्मी कैंटीन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट है यहाँ पर देख सकते हैं, एड्रेस कार्ड हैविंग अ सेम फोटो एंड इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। जो भी आपके पास जो है डॉक्यूमेंट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप सिमिलर डॉक्यूमेंट्स ही यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम चलेंगे यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये है फॉर्म, जो कि अगर आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना हो या आपको जो है एनरोलमेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई करना हो तो आपको इस तरह का ये जो है दिखने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपनी रेजिडेंस डिटेल्स डालनी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे भरना भी है। ये देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं, देखिए ये इसकी एक कॉपी है कि आपको इस तरीके से भरना है। यहाँ पर आपको जो है डेट डाल देनी है, फिर उसके बाद रेजिडेंस पर टिक मार्क कर देना है, अगर आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद अपना फुल नेम डालेंगे, यहाँ पर जो है एसईओ जो है वो डाल देंगे, फिर हाउस नंबर, ऐसे स्ट्रीट नंबर, देखिए सारा ब्लॉक लेटर्स के अंदर है, यानी कि सारे बड़े लेटर्स में है, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद पिन कोड हो गया, ये सब यहाँ पर आपकी फ़ोटो अटैच हो जाएगी। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर सर्टिफाइड डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफायर ओनली, ये आपको नहीं भरनी है, ये उनके द्वारा ही भरी जाएंगी, आपको बस जो जो डिटेल्स उन्होंने बताई है आपको वो सारी भर देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर इसी के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है डेट ऑफ बर्थ बता रखी है कि आपको कैसे लिखना है, रेजिडेंस कैटेगरी कैसे लिखनी है, ऑलरेडी वैसे तो ऊपर बता दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, अगर आप इस तरीके से सारी चीज़ें करके जाएंगे, आप फॉर्म डाउनलोड करके जाएं और उसके बाद पूरा भर के जाएं ताकि आपको वहाँ पर परेशानी ना आए, तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो न्यू कार्ड के लिए हो या अपडेट कराने के लिए हो। दोस्तों, अगर आपको किसी भी योजना के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसका नाम लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जा सकते हैं, मैं वहाँ डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट डालता रहता हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर ऐड की हुई हैं, जो काफ़ी स्टेट्स की हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।